एवरीवन, तो हम सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हम इसकी दो तरह की ड्यूटीज़ होती हैं। फर्स्ट है सेपरेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम रिकॉर्ड कीपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड है सेपरेशन ऑफ कस्टडी ऑफ एसेट्स फ्रॉम अकाउंटिंग। अब हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले सेपरेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम रिकॉर्ड कीपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि अगर हर एक डिपार्टमेंट को, ठीक है, अलग अलग जो है ना हर डिपार्टमेंट है, ठीक है, अगर हम हर डिपार्टमेंट की जो डिवीज़न की होती है हमने ऑर्गेनाइजेशन में, अब ऑर्गेनाइजेशन है हर किसी के हम ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डिपार्टमेंट में होती है। जैसे कॉलेज है, अब कॉलेज में हर एक कोर्स का मतलब अब अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, मीन्स डिवीज़न की होती है उसकी, है ना। तो हर एक डिपार्टमेंट, ठीक है, अपने खुद के जो अपने डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स बनाने, उनकी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। देयर वुड बी अ टेंडेंसी कि जो इससे जो रिजल्ट्स होंगे रिपोर्ट के, इसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। कि ऐसा है, एक तो हम ऐसा हो, एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें एक डिपार्टमेंट है, उसने अपने डिपार्टमेंट की भी रिपोर्ट्स के बारे में सारा, है ना, देखना है, ध्यान देना है, और किसी और डिपार्टमेंट की भी ध्यान देना है, ठीक है। और एक सिचुएशन है जिसमें उस डिपार्टमेंट ने सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना है, अपने ही डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन पर ध्यान देना है। तो वो किससे, किस में वो अपना बेटर रिजल्ट देगा विदाउट, है ना, विदाउट एनी एरर्स और मिस्टेक्स। ऑफकोर्स जिसमें वो सिर्फ अपने एक डिपार्टमेंट के बारे में, अपने डिपार्टमेंट पे ध्यान देगा। कहीं वो अपने डिपार्टमेंट पे भी ध्यान दे रहा है दूसरे डिपार्टमेंट, तो उसे कन्फ्यूजन होगी कितना उस पर, मतलब क्या एक तरह से बोझ होगा, है ना, कि बोझ में मिस्टेक्स हो जाती है। तो सेपरेशन की हुई है कि जो वो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का ही काम संभालेगा, उसकी ही रिपोर्ट्स, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को संभालेगा, इससे इम्प्रूवमेंट होगी इनकी परफॉर्मेंस में, ठीक है। सो हम कह सकते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर अनबायास्ड इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कीपिंग इज टिपिकली इंक्लूडेड इन अ सेपरेट डिपार्टमेंट अंडर कंट्रोलशिप फंक्शन, ठीक है। कि हर डिपार्टमेंट, जो सीधी सी बात है, हर डिपार्टमेंट अपना ही इंफॉर्मेशन, अपने ही रिकॉर्ड पर ध्यान देगा कि, ठीक है। सेकंड है हमारा सेपरेशन ऑफ कस्टडी ऑफ एसेट्स फ्रॉम अकाउंटिंग, ठीक है। जो एसेट्स की कस्टडी, उसको अकाउंटिंग से अलग, दोनों को अलग रखना। इसमें क्या होता है कि जो फर्म में जो कोई फ्रॉड ना हो उसमें, उस चीज़ को, फ्रॉड्स होने को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि जो एसेट्स की कस्टडी और अकाउंटिंग को, दोनों को अलग अलग पर्सन को सौंपा जाए, ठीक है। एसेट्स की कस्टडी किसी एक पर्सन को दे दी जाए, अकाउंटिंग किसी दूसरे पर्सन को, ठीक है। इससे क्या है, अगर ऐसा है, अगर एक पर्सन ही दोनों फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, दोनों ही चीज़ें कर रहा है, मतलब वो एसेट्स की कस्टडी भी संभाल रहा है, अकाउंटिंग को भी वो कर रहा है, तो यहाँ पे रिस्क है कि, है ना, वो मतलब जो एसेट्स, है ना, मतलब एसेट है, किसी एसेट को, है ना, मतलब अपने पर्सनल गेन के लिए यूज़ कर सकता है, ठीक है, और रिकॉर्ड्स इस तरह से एडजस्ट कर सकता है, ठीक है, कि जिससे मतलब उसने एसेट्स का भी यूज़ कर लिया अपने पर्सनल गेन के लिए भी, उस और उस पर कोई शक भी नहीं करेगा, वो इस तरह से उन सभी का डाटा बना देगा, ठीक है, समझा रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसे हम अगली वीडियो में और भी अच्छे से समझेंगे।